नमस्कार दोस्तों, आप सभी का औषधि एंड हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं थ्रोम्बोफोब जेल के बारे में। यह जो थ्रोम्बोफोब जेल है किन बीमारियों के लिए इसका यूज किया जाता है, इसमें कौन सा कंटेंट यूज किया गया है, इस दवा के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इससे कैसे यूज करना है, आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों आपको इस चैनल पर जाना दवा से संबंधित जानकारियाँ मिलेगी। अगर आप दवा से संबंधित जानकारियाँ चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं थ्रोम्बोफोब जेल के बारे में। यह जो जेल है आपको एक ट्यूब में 20 ग्राम में मिलेगा और इस 20 ग्राम का जो प्राइस है आपको 141 रुपये मिल जाएगा। यह आपको सभी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इस दवा को जो है जाइडस कंपनी बनाती है। इसमें कौन सा कंटेंट यूज़ किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो है हेफ्रिन सोडियम इथेनॉल, ये दो कंटेंट यूज़ किए गए हैं। इस दवा का जो यूज है किन किन रोगों के लिए किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह थक्कों को समाप्त करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, दर्द और सूजन में राहत देता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, कभी कभी इंजेक्शन लगाने से जहां पर इंजेक्शन लगा होता है वहां पर थक्के जम जाते हैं, गांठें बन जाती है, सूजन हो जाता है, उसमें इस जेल को लगाने से आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा, जो गांठें है बहुत जल्दी गल कर ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों यह जो है थक्के अगर जम गए हो त्वचा पर तो उसके लिए बहुत ही अच्छा जेल है। इसको जो है आप जहाँ पर समस्या हो रही हो, जहाँ पर आपको थक्के जमे हुए, जहाँ पर आपको सूजन हो, गांठे हो, वहाँ पर आप इसे हल्के हल्के से मालिश करें दिन में 2 बार सुबह शाम। इसे जो है डॉक्टर की सलाह के बाद आप यूज़ करें। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, स्किन रेसेस, स्किन लाल होना, स्किन पर जलन होना या स्किन पर जो है कोई भी एलर्जी हो सकती है। अगर आपको इसको लगाने से कोई भी समस्या हो तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।